शिकारपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ ने पत्रकारों से चर्चा की। छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ ने जिले की कानून व्यवस्था पर गंभीर इल्जाम लगाए। उन्होंने कहा कि हाल ही में शहर की एक नाबालिग के साथ बलात्कार हुआ है। इस मामले में छिंदवाड़ा पुलिस आरोपियों को बचाने में लगी हुई है, जबकि प्रदेश भाजपा सरकार विकास यात्रा निकाल रही है और जिले के किसान प्रशासनिक अधिकारियों के चक्कर काटते हुए आत्महत्या कर रहे हैं। छिंदवाड़ा में कानून व्यवस्था चौपट हो गई है। इसके साथ ही उन्होंने शिवराज सरकार पर जिले के बजट में कटौती करने का इल्जाम लगाया। मेडिकल कॉलेज, छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी, हार्टिकल्चर कॉलेज और फुटबॉल एकेडमी के मुद्दों को लेकर भी उन्होंने शिवराज सरकार को जमकर घेरा। इसमें से इन्होंने कैंसर यूनिट को काट दिया, कार्डियक यूनिट को काट दिया और न्यूरो यूनिट को काट दिया। ये 9 मंजिल की बिल्डिंग सैंक्शन हुई थी, घटा के 7 मंजिल कर दी। अगर हम अपनी यूनिवर्सिटी की बात करें, यूनिवर्सिटी का सारा बजट इन्होंने काट दिया। आज यूनिवर्सिटी की हालत आपके सामने है। एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर सैंक्शन कॉलेज सैंक्शन हुआ था, उसकी भी हालत आप जान रहे हो, उसकी भी पूरी बजट काट दी गई है। मैंने फुटबॉल अकेडमी के लिए प्रयास किया था, उसके लिए कोई बजट सैंक्शन नहीं हुआ। वैसे ही अगर हम सेंट्रल जेल की बात करें और अन्य जो विकास प्रोजेक्ट्स थे, सब पे रोक लगा दिया गया। ये तो विकास की हुई बात। पिछले चलते दिनों में आप कानून व्यवस्था देख रहे हैं। छिंदवाड़ा में किसान आत्महत्या का मामला अभी 2-3 दिन पहले आया, मोखेड़ ब्लॉक से, हरसला ग्राम से। यहाँ प्रशासन विकास यात्रा निकाल रही है और एक तरफ हमारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं। छिंदवाड़ा के धर्म टेकरी में एक नाबालिग के साथ बलात्कार हुआ और पुलिस 2 दिन तक इस केस को दबा के रखती है। ये सब आपके सामने है। तो प्रशासन पुलिस का दुरुपयोग हो रहा है, कानून व्यवस्था दिन ब दिन छिंदवाड़ा जिले में बिगड़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, छिंदवाड़ा।